नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं जो कि भोपाल एमपी के निवासी हैं। परिचय लेंगे उन्हीं से। बताएं क्या नाम है आपका? प्रमोद रघुवंशी जी। कहाँ के रहने वाले हो? मैं मध्य प्रदेश जिला गुना ग्राम मार्केट आठ का तहसील आरंग का रहने वाला हूँ। जिला गुना। गुना कितनी दूर है भोपाल से? भोपाल से कम से 150 किलोमीटर। 150। जब आए थे प्रमोद, क्या क्या दिक्कत हो रही थी उस समय आपको? सर आ रहे थे सर उस दिन, उस स्टेशन में मुँह पे सूजन थी, पैरों पे थोड़ी थोड़ी सूजन थी, चलने में दिक्कत आती थी, सांस फूलती थी। काफी ज्यादा परेशानियों से जूझ रहे थे उस समय। तो क्या बताया था? गुना में दिखाया था, भोपाल में दिखाया था, इंदौर दिखाया था मैंने। इंदौर दिखाया था। क्या बताया था इंदौर में? इंदौर बताया था मैंने डॉक्टर प्रदीप सालिया को, तो उसने ये बोल दिया था कि आपकी दोनों किडनी बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, आप इनको बिल्कुल वो करवा लीजिए, ट्रांसप्लांट करवा लो, उसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है ट्रांसप्लांट के अलावा। उन्होंने ऐसा बोल दिया था कि ट्रांसप्लांट बोल दिया था उन्होंने। उन्होंने ये बोल दिया था, उन्होंने मेडिसिन देने की मना कर दी थी मेरे से। वो तो पहले उनकी मेडिसिन वो उन्होंने लिख दी थी, वो उस पे उससे ले आया था मैं उससे देख के। अच्छा, उन्होंने आगे नहीं लिखी थी पुरानी मेडिसिन? पुरानी ले आया था मैं। यहाँ का कैसे आपको पता चला था प्रमोद? यहाँ के सर हमारे यहाँ के पंडित जी है, उनकी लड़की रही है, उनकी हमारे यहाँ वो फुफाई लग दी, उनकी चल रही है यहाँ की। उनने बताया था एक बार तुम वहाँ की लेके देख ले, ठीक है वहाँ की लेके देख लेते, उनके साथ आया था पहली बार। अच्छा, उन्होंने बताया था सारी चीजें। बहुत अच्छा रिजल्ट आया प्रमोद, अब तो है ना? बहुत अच्छा है ना? क्या क्या फर्क महसूस हो रहा है आपको पहले में और अब में, क्या क्या अंतर महसूस कर रहे हो आप? अब तो सर मेरा पूरा अंतर लग रहा है सर। हाँ। चलने में बिल्कुल सांस नहीं फूलती। हाँ। चल पड़ा हूँ, खाना को अच्छा खिल रहा है। हाँ। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे रिजल्ट आए प्रमोद। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की जरूरत आपको नहीं है। कितना था क्रिएटिनिन जब आप आए थे? मेरा क्रिएटिनिन 12 के ऊपर था। 12 के ऊपर था। 12.36 क्रिएटिनिन था और यूरिया जो था वो 225 के आसपास था। 16/9/2019 की ये रिपोर्ट है। यूरिक एसिड इज अबाउट 8.10, कैल्शियम पोटेशियम फॉस्फोरस ऑलमोस्ट सारी चीजें, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस है इस रिपोर्ट में। उसके बाद रिपीट टेस्ट कराया गया एंड द कंसीक्वेंटली नेक्स्ट टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन 19th October 2019, व्हिच द क्रिएटिनिन केम डाउन टू 10.04, 10 की रेंज में क्रिएटिनिन आया, यूरिया 175। यूरिक एसिड भी रिड्यूस हुआ, कैल्शियम भी इंप्रूव हुआ। और अब एक इन्होंने लेटेस्ट टेस्ट कराया है, दैट इज ऑन 19th December 2019, 7.5 हो चुका है इसमें क्रिएटिनिन और 141 यूरिया हो चुका है। डायलिसिस और ट्रांसप्लांट तो नहीं कराया ना प्रमोद? नहीं सर, नहीं करवाया। और डॉक्टर ने बहुत बोला था सर, मेरा आंसर डायलिसिस करवाने की, आप ऑपरेशन करवा लो, मशीन पर करवा लो, वाली डायलिसिस वाली। हां, वो आदमी किस प्रकार ये इम्प्रूवमेंट आई है? पहली रिपोर्ट करवाई थी मैंने ये 16/9/2019 को, तब मेरा क्रिएटिनिन 12.36 था, यूरिया 275 था। इसके बाद फिर मैंने कराई थी ये 19/10/2019 को। हाँ। और इसमें यूरिया मेरा 175 हो गया एक महीने में और क्रिएटिनिन 10 हो गया, 2 पॉइंट घट गया। फिर अभी मैंने अब ये 3 महीने बाद करवाई मैंने, तो यूरिया मेरा हो गया 141, क्रिएटिनिन 7.53 हो गया, यानी मेरे को बहुत फायदा हुआ है इससे। बहुत फायदा हुआ, बहुत अच्छे रिजल्ट। हाँ। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। हाँ। बहुत अच्छे चेंजेस भी आए हैं और क्रिएटिनिन भी बहुत अच्छा रिड्यूस हुआ। तो ये है प्रमोद रघुवंशी, जिनका डायलिसिस और ट्रांसप्लांट बोल दिया गया था। अब डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की भी जरूरत इनको नहीं है और क्रिएटिनिन भी बहुत अच्छे से। फिजिकली क्या क्या दिक्कत, इम्प्रूवमेंट चाहिए प्रमोद आपको? फिजिकली सर चलने में कोई दिक्कत नहीं होती सर, अब तो सर मिल रहा नहीं। आपको क्या संदेश देना चाहोगे प्रमोद उन मरीजों को जो किडनी के पेशेंट है और जो आपकी तरह समस्या से जूझ रहे हैं और जो नेफ्रोलॉजिस्ट और इधर जा रहे हैं और डायलिसिस करा रहे हैं, एडवाइस कर दिया? मैं सर यही
संदेश देना चाहता हूँ कि वो कर्मा आयुर्वेदा पे आए और एक बार यहाँ की कम से कम एक बार तो यहाँ की दवाई लेके उपयोग करके देखें, ट्रीटमेंट लेके उनको फायदा जरूर पड़ेगा मेरे हिसाब से, क्यों मिल लाने थे यहाँ को बहुत अच्छा फायदा मिला मिल लाने तो मेरी यहाँ ही चल रही दवाई है। अभी देख रहे हो कैसे आया इनको बहुत से जल्दी से नजर आया ना, मेरे ये बड़े भाई हैं, मैं कहना चाहता हूँ आयुर्वेदा दवाई जरूर से जरूर लें, मेरे भाई को बहुत फायदा है, बहुत अच्छे रिजल्ट है और इंदौर से तो बहुत 80% हमें यहाँ फायदा मिला और दवाइयाँ चल रही हैं यहाँ की, बहुत अच्छे चेंजेस आए हैं। ये प्रबोध रघुवंशी है जिनको डायलिसिस बता दिया था, ट्रांसप्लांट बता दिया था, लेकिन अब ना डायलिसिस की जरूरत है ना ट्रांसप्लांट की जरूरत है और बहुत अच्छे चेंजेस भी नजर आए, क्रिएटिनिन भी रिड्यूस हुआ, यूरिया भी रिड्यूस हुआ। और डॉक्टर लाल पैथ लैब से इन्होंने भोपाल कहाँ की रिपोर्ट है, गुना की, भोपाल की है पहली, दो गुना की, तो वहीं से इन्होंने ये टेस्ट कराए हैं अपने आसपास से और बहुत अच्छे इनको विजिबल हुए चेंजेस। तो कह सकते हैं उन पेशेंट्स का जिनका डायलिसिस चल रहा है घबराने की आवश्यकता नहीं है, जिनका ट्रांसप्लांट एडवाइस करते हैं घबराने की जरूरत नहीं है, डायलिसिस एडवाइस करना शुरू नहीं हुआ तो बिल्कुल देरी मत कीजिएगा, नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए। कर्मा आयुर्वेदा सिद्ध कर चुका है कि किडनी का इलाज संभव है, एक नहीं सैकड़ों नहीं हजारों की संख्या में कई हजार पेशेंट्स जो है वो इंप्रूव कर चुके हैं, वो ठीक हो चुके हैं और आज उस कड़ी में एक नाम और जुड़ गया प्रमोद रघुवंशी का। आपको आज नेफ्रोलॉजिस्ट को रिपोर्ट दिखाई आपने, ये नहीं सर मैं फिर गया ही नहीं सर, आप यहाँ की टेबलेट दवाइयाँ लेने के बाद सर आयुर्वेदिक फिर बाद में डॉक्टर के पास बताने गया ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी आप तो यार यहाँ से फायदा पड़ रहा है पर वापस क्यों पैसे फेंके हम। सही बात, अभी इन्होंने सब चीजें फॉलो करी और अब कह सकते हैं जिनका डायलिसिस चल रहा है घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे साथ बोलेंगे एक बार मिलिए, पता है हम क्या बोलते हैं वीडियो के अंत में,